पक्का है कि नहीं होगी, कैंसर पेनिस नहीं होगा, नंबर वन। दूसरा, सफाई हमेशा रहेगी। तीसरा, डायबिटीज जब हो जाता है तो फिर दोबारा खतना करने की जरूरत नहीं। आज तक मुसलमानों का मैंने डायबिटीज के बाद खतना किया ही नहीं, क्योंकि खतना हुआ रहता है। जूस तो मेरे यहाँ नहीं आते, लेकिन मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए इसके बहुत फायदे हैं, और मैं तो लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जरा से भी दिक्कत हुआ, फाइमोसिस हुआ, चमड़ा सट गया, दिक्कत हो रही है, बार बार इन्फेक्शन होता है, खतना करा लीजिए। बहुत लोग थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं, मुसलमान ही करा रहे हैं, सुन्नत करा रहे हैं। हम के भाई न मुसलमानी है न सुन्नत है, ये एक साइंटिफिक ये चीज़ है। यदि मुसलमानों में या यहूदियों में किया जाता है तो उसको मानिए, देखिए अच्छी चीज़ वो लोग करते हैं बचपन में, तो अब तो करा लीजिए। और ये साइंटिफिक माने वैज्ञानिक आधार पर हम लोग बताते हैं, इसलिए खतना एक अच्छी चीज़ है। और जब भी डॉक्टर बताए, यूरोलॉजिस्ट बताए कि आपको खतना कराना चाहिए, तो कुछ सोच के बताता है और जरूर करा लेना चाहिए।